मैं आपका विवेक बिड़कर मित्र सर्वज्ञ एग्रो तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज जो एक वीडियो लेके आने वाले हैं, वो वीडियो का नाम है रिपर। रिपर का मतलब शायद सब लोग जानते होंगे, उसके बारे में विस्तृत मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो उसके पहले मैं जो सर्वज्ञ एग्रो मॉल है अमरावती में स्थित है, उसके बारे में थोड़ा सा आपको ये मेरा जो शॉप है या एग्रो मॉल है तो आप दिखाइए। तो यहाँ पे खेती बाड़ी से जुड़े सभी औजार, स्वयं चलित औजार और कुछ मैनुअल भी औजार है, वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे देख सकते हैं डौरे से लेके सब चीजें है। मैं हर एक वीडियो में ये सब चीजें बताता हूँ, इसके पीछे एक रीजन है। जो भी ग्राहक है मेरा जब खरीदने की कोशिश करता है तो आप किससे डील कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो, वो उनका क्या है, यहाँ पे एक शॉप कैसा है, किस तरीके से है, इसी ये दिखाने की मेरी छोटी सी कोशिश रहती है। तो आइए, तो ये इस तरीके से मेरा एग्रो मॉल है। ये अराउंड 6000 स्क्वायर फीट में हमने बनाया है, ठीक है। और यहाँ से खेती बाड़ी के सब औजार यहाँ पे रखे हैं। और पीछे में जाके एक ब्लोअर का भी काम है मेरा, ब्लोअर का भी नीचे में पीछे में काम है। और खेती साथ में 9 कंपनी का रोटावेटर का भी काम है, अपना स्पेयर पार्ट का भी काम करते हैं और रोटावेटर भी बेचते हैं। तो इस तरीके से मेरा सर्वज्ञ एग्रो मॉल है। साथ में ही आज जो वीडियो लेके आ रहे हैं, तो वीडियो का नाम है रिपर। तो रिपर का मतलब ये होता है कि जो भी खेडूत है, फार्मर है, जब बुआई करता है, बुआई के बाद में कटाई सबसे बड़ी परेशानी खेती वालों के पास में आती है। कि जब कटाई के लिए आप जाते हो तो आदमी लोग मिलते नहीं है, बाहर से लाना पड़ता है। उसके लिए मान के चलो एकड़ के पीछे खर्चा 2000 से लेके 3000 रुपए होता है। तो उसके चलते हुए कभी कभी कटाई लेट हो जाती है। कटाई लेट होती है तो जो आज देख रहे हो कि बारिश के वजह से कभी ज्यादा बारिश होती है, और जो रिटर्न मानसून बोलते हैं, वो रिटर्न मानसून की वजह से अपने खेती का बड़ा नुकसान होता है और जो फार्मर है उसको भुगतना पड़ता है। वो तो उससे बचने के पहले एक कभी छोटी सी ऐसी मशीन अपने कस्टमर ले और वो मशीन अपने खेत में चला के कटाई करके अपना जो भी माल है वो निकाले और मार्केट में बेचने के लिए लेके जाए। तो उसके लिए जो आज मैं जो मशीन लेके आया हूँ, ये जो मशीन है इसका नाम है रिपर। ये है सेल्फ प्रोपाइल्ड। सेल्फ प्रोपाइल्ड मतलब ऑटोमेटिक से चलने वाला। बहुत सारे रिपर है, जैसे ये पावर वीडर आप देख रहे हो इधर, ये पावर वीडर को ही ऐसा एक रिपर हेड आता है, इसको लगाते हैं। बट इसके पीछे ऐसा रीजन होता है कि आप इसको लगाने के बाद ये पीटीओ से ऑपरेट होता है, तो कभी कभी क्या होता है कि इसका मेंटेनेंस कॉस्ट हो जाता है। बट ये जो सेल्फ प्रोपाइल्ड रिपर होने के कारण ये बेल्ट से चलता है, तो इसके वजह से इसका मेंटेनेंस कम होता है और इसकी क्या होता है कि कैपेसिटी काम करने के ज्यादा होते हैं। यदि आप उसमें 5 एकड़ 10 एकड़ करोगे तो उसी समय में ये कम से कम आपका 15 एकड़ कर लेगा। तो मित्रों, आज मैं कंपनी के बारे में, जो कंपनी का जो रिपर है उसके बारे में थोड़ा विस्तृत आपको माहिती दूंगा। तो आप सामने से देख रहे हैं ये कटर बार, ये अराउंड 5 फीट के अराउंड कटर बार है। ये भिंगरिया आती है, नीचे से कट करता है। अराउंड ग्राउंड से आप जाओगे तो अराउंड 6 इंच से 8 इंच तक ये कटिंग करता है। तो ये कौन से क्रॉप, तो ये सोयाबीन हो गया, तूर हो गया, चना हो गया, सब चीजें यहाँ पे कट करता है। स्पेशली गेहूं, गेहूं की खेती में इसका अच्छा उपयोग होता है, या धान की खेती में भी इसका अच्छा उपयोग होता है। तो ये कटर बार होता है। इसके पीछे में गेयर बॉक्स लगा है, इसके पीछे में जो इंजिन लगा है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इंजिन, कोई भी आप चीज खरीदते हो तो इंजन इंपॉर्टेंट होती है। तो आप देख सकते हो इसको होंडा का 5 HP का इंजन लगा है, तो होंडा का इसमें भरोसा है। ये है, इस तरीके से रिपर है। जब ये आप रिपर चालू करते हो तो यहाँ पे एक हैंडल दिया है, आप इधर से आ सकते हो। तो इसके अंदर में 3 से 4 स्पीड दिया है। जब आप 2 पे करते हो तो 2 पे आप ये रिटर्न में जाता है, रिटर्न भी होता है और बैकवर्ड या फॉरवर्ड दोनों भी चीज होती है। बीच में करते हो, जैसे यहाँ पे करते हो तो ये दैट इज न्यूट्रल। इसे पीछे किया, पीछे किया तो पीछे जाएगा, सेकंड स्पीड में न्यूट्रल आएगा, फिर फर्स्ट पे पीछे जाएगा, और यदि न्यूट्रल पे कर दिया तो न्यूट्रल हो जाता है और फर्स्ट पे ये आप फर्स्ट पे चला सकते हो। तो फर्स्ट पे चलाने का ये मशीन आप फर्स्ट पे चला के ही चला सकते हो। और यहाँ पे हाई लो का ऑप्शन भी दिया है, यहाँ पे आप नॉर्मली लो में चलाना है क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा होती है हाई में, बट इसको लगता है कि स्पीड ज्यादा होना है तो यहाँ पर हाई लो का भी ऑप्शन यहाँ पे दिया है। तो ये इस तरीके से 5 HP का ये रिपर है। तो किसी को भी ये रिपर के बारे में और कोई जानकारी होना है तो जो नीचे में नंबर दिया है उस पर कॉल कर सकते हो।
तो ये रिपर का जो एक वीडियो है, ये कैसे चलता है, धान कैसे कट करता है, गेहूं कैसे कट करता है, तो आप नेक्स्ट वीडियो में आप देख सकते हो। कट कर उसके अंदर में वीडियो देखा होगा, तो उसके अंदर में रिपर ये किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से कट करता है और पीछे कट करके डालता है। तो ये इस तरीके से रिपर है। और मित्रों, आपने सुना होगा बहुत बार YouTube पे, मैं भी YouTube पे बहुत सालों से सर्च कर रहा हूं, बहुत सारे में स्क्रीन लगा देते हैं कि 5000 में ये रिपर मिलेगा या कोई भी चीज ऐसी 5000 मिलेंगी, बट आप एक्चुअल आप वीडियो देख के तो उसके अंदर में कुछ अलग ही होता है। बट ये समस्या जो हमारा फार्मर है, शेतकरी है, खेडूत है, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसको टाइम पास होता है कि वो वीडियो देखता है अंत तक और वो समझ में आता है कि भैया जो सामने जो बताया वो चीज नहीं है इसके अंदर में। बट ये सबसे बेहतरीन चीज में हम इसे लेके आए हैं कि जो हम यहाँ पे बता रहे हैं वो ऐसी चीज है कि ये चीज आपको कहीं मिलने नहीं वाले। जब मेरा आपने स्क्रीन देखा होगा, स्क्रीन पे लिखा होगा ये जो मशीन है हमारा 1,40,000 का है, 1,40,000 में मशीन आता है, बट इतिहास में आपने सुना नहीं होगा, देखा नहीं होगा। और ऐसी चीज हम आपके लिए लेके आए हैं और ये 1,40,000 का मशीन जो गवर्नमेंट का सब्सिडी होता है, 50,000 का सब्सिडी इसमें अंदर आता है। तो ये 50,000 की सब्सिडी हम जगह पे काट के देने वाले, बट उसके लिए एक डॉक्यूमेंटेशन हमको आपको लगेगा और उस पर आपको सर्टिफाई करना पड़ेगा। ये मशीन लेने के बाद ये मशीन के हम दूसरा सब्सिडी नहीं निकालेंगे, तो उसके बाद ये 50,000 रुपए का सब्सिडी कस्टमर को डायरेक्ट पास ऑन कर देंगे, तो ये 90,000 रुपए मशीन आपको आ जाएगा। तो शायद मेरे ख्याल से जो मैंने स्क्रीन पे लिखा वही मैं यहाँ पे बोला हूँ, और वही आपको जब मशीन लगेगा या आपको मेरे से परचेस करेगा वही 90,000 में मशीन मैं आपको यहाँ से दूंगा। तो मित्रों, जिसको मशीन लगता है, जो आजू बाजू का मेरा ग्राहक है, यहाँ पे आके परचेस कर सकता है। बट जो ग्राहक ऐसा है कि वो बात थोड़े दूर लंबे गांव में रहता है या 500 किलोमीटर 200 किलोमीटर, तो ये हम ऑनलाइन भी भेज सकते हैं। तो आपको मशीन होना है तो मशीन के बारे में जो भी जानकारी होना है नीचे दिए नंबर पे आप कॉल करके पूछ सकते हो या वीडियो कॉल करके भी कर सकते हो। तो वीडियो कॉल पे इसका मतलब होता है कि आप, मैं मेरा जो खेती का मॉल है ये आपको भी दिखा देता हूँ और उसके बाद मेरा जो GST नंबर है वो भी वेरीफाई कर सकते हो। मशीन का यदि फाइनल होता है, समझ में आता है, तो सिर्फ ओनली एंड ओनली आपको सिर्फ मेरे को 5,000 रुपये मेरे कंपनी के जो सर्वज्ञ एग्रो मॉल का जो अकाउंट है उसमें आपको डालना है। 5,000 के बाद आपका ये मशीन बुक हो जाएगा। बुक होने के बाद ये मशीन यहाँ से ट्रांसपोर्ट, जो लोकेशन, जो नियर बाय लोकेशन होगा जहाँ पे आपका ये इनका ट्रांसपोर्ट होगा, जैसे आरको ट्रांसपोर्ट है या ACPL, बहुत सारे ट्रांसपोर्ट है, तो इसका कम्युनिकेशन होना चाहिए, उस लोकेशन पे ये मशीन आएगा। जैसे मशीन आएगा, मशीन आने के बाद आपको कन्फर्मेशन मिलेगा ये मशीन आपको वहां पे रिसीव हो चुका है। जैसे रिसीव होने के बाद मुझे आपको बाकी का पेमेंट ट्रांसफर करना है, फिर इसका एक बिल्टी आपको मैं सेंड करूंगा और ये मशीन आपको वहां से हैंडओवर हो जाएगी। इसमें ये सबसे बड़ी चीज है कि बहुत ऑनलाइन जो फ्रॉड भी हो रहे हैं इसको भी हम यहाँ पे प्रोटेक्ट करेंगे, और जो भी किसान है या केडूत है बाय करने वाला है तो उसको छोटे से अमाउंट में ये 5,000 में मशीन मिल जाएगी। तो मुझे लगता है कि ये जो मशीन हमने आज जो आपके लिए जो वीडियो बनाया बहुत अच्छा है और कस्टमर के लिए बहुत पसंद आने वाला है। मैं कभी किसी को नहीं बोलता है मेरा जो वीडियो है, मेरा जो चैनल है उसको लाइक करो, शेयर करो, बट मैं ये बोलता हूँ कि जो मेरा चैनल है या मेरा जो वीडियो है यदि आपको सही में अच्छा लगता है तो आप जब तो जो आपका कस्टमर है, जो आपके जो रिलेटिव है, आपके फ्रेंड है, यहाँ तक आप सर्कुलेट कर सकते हो। बट इसमें मैंडेटरी ऐसा कुछ नहीं, इसको लाइक करो, शेयर करो, बट ये प्रमोशन लगता है वो TRP बढ़ाने के लिए। मैं इसके पीछे ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा। आपको मन से लगता है कि भैया ये वीडियो अच्छा लगा या जो मैंने चीजें कही है वो गलत है सही है, उसको डायरेक्ट फोन करके भी आप मुझे पूछ सकते हो। और मन को लगता है तो भी करो, अदरवाइज मत करो, मेरा इसके पीछे आपको बोलना है। और जो भी आपको लगता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, मेरे जो नीचे नंबर पर डायरेक्ट कॉल कर सकते हो। धन्यवाद।